नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस श्रृंखला में। जैसा कि पूर्व श्रृंखला में हम लोगों ने चर्चा करी वर्णमाला परिचय, आज हम पुनः आप लोगों के समक्ष संधि विमर्श पर चर्चा करेंगे। जैसा कि संधि शब्द से आपको सुनते ही पता लग रहा है, तो दो शब्दों के योग को यानी दो वर्णों के पास पास आने पर उसमें जो विकार या परिवर्तन हो जाता है संस्कृत में, उसी विकार को हम संधि कहते हैं। यानी वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संधि, यानी संधेः सामान्य रूपेण अर्थे भवति योजनम मेलनम इत्यादि। अगर बात करें हम संधि शब्द की, व्युत्पत्ति जो है सम उपसर्ग पूर्वक डु धातय धातु से, उपसर्गे धो किम सूत्र से किम प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। वर्ण संधान को हम संधि कहते हैं, अर्थात जब दो वर्णों के परस्पर मेल अथवा संधान को हम संधि कहते हैं। संस्कृत भाषायाम अपि ही संधे अर्थो भवति योजनाम एवं व्याकरणे स्वर व्यंजन विसर्गादीनाम विकाराय मेलनाय उच्यते इति ही संधि। वस्तुतः द्वयोः वर्णयोः मेलनाय विकाराय च संधि भवति। अगर हम देखें तो पाणिनि के अनुसार जो है संधि परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की जो अत्यधिक निकटता को हम संहिता कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, मान लीजिए सुधी धन उपास्य, यहाँ पर क्या हुआ, सुधी का ई और उपास्य का उ, यानी वर्णों की जो अत्यंत निकटता है। जैसे स्वागतम शब्द आप देखते हैं सुधन आगतम, जैसे तत्र है तत्धन रौ, यानी अत्र संधे काचन नियमा सन्ति, तद गुणानुमेव संधि क्रियते। यह जो परिवर्तन है यह हमें तीन रूपों में मिलता है। संधि का जो परिवर्तन है यह हमें तीन रूपों में मिलता है। कहीं पर क्या है कि दोनों अक्षरों का परिवर्तन होता है, कहीं पर एक ही परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, कहीं कहीं क्या है कि दोनों वर्णों के स्थान पर कोई तीसरा अक्षर हो जाता है। यानी इस प्रकार से हम अगर देखें संधेः प्रमुखा भेदाः संधि स्त्रिधाः, यानी संधि के जो प्रमुख भेद हैं वह कितने हैं, तीन हैं। जैसे स्वर संधि जिसे हम अत संधि भी कहते हैं, दूसरा है व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि कहते हैं, और तीसरा है विसर्ग संधि। अगर हम बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि को हम जानने के लिए स्वरों के जो संधान है, स्वरों का जो मेल है, यानी उन स्वरों की, यानी उन अच संधियों को कहीं कहीं पर हम, यानी संधि में जो स्वर हैं उन स्वरों का आदेश जहाँ होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी वैयाकरण जो है संधियों को पांच प्रकार से उसमें बांटा गया है। यानी वैयाकरण में जो है संधि को पांच रूपों में हम देखते हैं, वह कौन कौन से हैं, अच संधि, प्रकृति संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। व्याकरण के प्रवर्तक पाणिनि ने प्रत्येक संधि के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए सूत्र का निर्माण किया। यानी स्वर संधि में जो स्वर वर्ण हैं एवं जो व्यंजन संधि है, उन संधियों में व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है। जो स्वर संधि के मूल रूप से पांच प्रकार हैं, उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि प्रमुख हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। यानी जो दीर्घ संधि करने वाला जो सूत्र है वह है अकह सवर्णे दीर्घ। यानी जो दीर्घ संधि के जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह अकह सवर्णे दीर्घ, अर्थात जब अ ई उ री लृ के बाद जो है ये ही स्वर ह्रस्व या दीर्घ रूप में आएंगे, तो दोनों के स्थान पर जो है तदनुरूप दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे हम इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे शब्द है गणाधिपति, यानी गणाधिपति जो शब्द है उस शब्द में गण धन अधिपति, यानी जो गण शब्द है उस गण शब्द में जो अ है, ण का अ और अधिपति का अ, यानी अ धन अ बराबर आ,
तो यहाँ दीर्घ संधि बनी, यानी समान स्वर वर्ण आने पर जो है यह दीर्घ बना। इसी प्रकार सतीश शब्द है, सती धन ईश, सती में जो इकार है और जो ईश का इकार है वह मिलकर के दीर्घ इकार बना। इसी प्रकार शीश शब्द जो है श्री धन ईश, अब इसमें श्री का इकार और शीश का इकार यानी ई। इसी प्रकार गुरु उपदेश में आप देखते हैं गुरु का जो उकार है और गुरु उपदेश का जो उकार है यानी उ और उ को मिलकर के दीर्घ हु यहाँ पर हमने देखा। इसी प्रकार पितृणाम, पितृणाम में आपने देखते हैं कि पितृ का जो ऋकार है और पितृ शब्द में जो री और री बना वह री बन गया। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी इसे जानते हैं। जो द्वितीय संधि है वह है गुण संधि। अब गुण संधि को जो करने वाला सूत्र है, जो गुण संधि का जो प्रतिपादित करने वाला सूत्र है वह है आद्गुणः, यानी अर्थात जो अर अल ए औ ये जो गुण संधि के चिन्ह हैं, जैसे यदि औ अथवा आ के बाद री या री हो जाता है तो उसके स्थान पर अर होता है, यदि री हो तो अल हो जाता है। इसी प्रकार ई या ईकार हो तो ए हो जाता है और यदि ऊ या ऊ हो तो औ हो जाता है। यानी गुण संधि में जो सूत्र है वह कौन सा होगा? आद्गुणः। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं गणेश शब्द है, हम गणेश शब्द में देखते हैं जब उसी हम संधि करी तो गणधन क्या बना? ईश, गणधन ईश। अब जो गण शब्द है, गण शब्द का जो ढकार का ओ है यानी ओ और ईश का जो इकार है, आपने देखा कि ओ धन ई बराबर क्या बना? ए, यानी ओ के बाद यदि ई आएगा तो उसे क्या होगा? गुण क्या होगा? ए गुण हो जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण के रूप में देखिए सर्वोदय, यानी सर्वधन उदय, यानी सर्व का ओ, सर्व का क्या देखा आपने? अ और उदय का उ, यानी अ धन उ बराबर क्या बना? ओ, यहाँ पर क्या गुण हुआ? ओ गुण हुआ। इसी प्रकार सूर्योदय जब आप देखते हैं, सूर्योदय की हम संधि करेंगे सूर्य धन उदय, यानी सूर्य का उ, सूर्य का क्या? अ, और जो उदय का उ यानी क्या बना? ओ। इसी प्रकार सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि में जो तकार का अ है और ऋषि का री, यानी अ के बाद जो है री आया तो क्या बना? अर आदेश हो गया। ऐसी तबलकार, तव धन लृकार, औ धन लृ बराबर अल। इस प्रकार से गुण संधि को हम समझते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं वृद्धि संधि की, यानी वृद्धि संधि किसे कहते हैं? यानी वृद्धि संधि का जो सिद्धांत है वह है वृद्धि रेचि, यानी वृद्धि रेचि के माध्यम से हम वृद्धि संधि को जानते हैं। पाणिनि ने जो है वृद्धि रेचि सूत्र को अनुसार जो है सूत्र से वृद्धि संधि का प्रतिपादन किया। अब ये वृद्धि संधि होती कैसी है? अर्थात जो वृद्धि माने बढ़ना या अधिक होना, यहाँ पर भी जो पूर्व पद है यानी पूर्व पद के अंत में जो ओ या आ हो और उत्तर पद के आदि में ए ऐ हो तो उसे क्या हो जाता है? अई वृद्धि हो जाती है। ओ और औ हो तो औ वृद्धि हो जाता है, यानी इस संधि का नाम इसीलिए वृद्धि संधि पड़ा। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं देवेश्वर्यम है तो देव धन ऐश्वर्यम, अब देव में व का औकार और ऐश्वर्यम में एकार, यानी अ प्लस ए बराबर क्या बना? अई, यानी यहाँ पर क्या बन गया? अई क्या हुआ? वृद्धि हो गई है। ऐसी सदैव शब्द आपने देखा सदा धन एव, यानी सदा का अ और एव का ए, यानी आ धन ए बराबर क्या बना? अई। इसी प्रकार गंगोदह, गंगा धन औधह, यानी गंगा का आकार और ओधह का ओ क्या बन गया? औ आदेश यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार बनौषधि, बन का औ और औषधि का औ, यानी क्या आदे क्या वृद्धि हुई यहाँ पर? औ वृद्धि हो गई है। ऐसे ही नैनम शब्द को हम संधि करेंगे न धन एनम, न का अ और एनम का ए, यानी अ धन ए बराबर ऐ आदेश यहाँ पर हो जाता है, यानी वृद्धि संधि यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है? वृद्धि माने अधिक हो रहा है यानी बढ़ रहा है। इसी प्रकार हम यण संधि को हम जानेंगे तो यण संधि के सिद्धांत के
प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह है इको यणचि, यानी इक के स्थान पर जब यण आदेश होता है, यानी इक क्या है, ई उ री लि, इसके स्थान पर यदि क्या होगा, यण आदेश होगा, ई उ री लि स्वरों को छोड़कर के जब अन्य स्वर हों तो वहां पर क्या हो जाएगा, य व र ल हो जाता है। अर्थात इक के स्थान पर जब यण आदेश होता है तब यण संधि होती है। जैसे आपने देखा कि शुद्धोपास्य शब्द है, उस शुद्धोपास्य शब्द में हम देखते हैं सुधी धन उपास्य, सुधी का जो इकार है और उपास्य का जो उकार है, यानी इकार ई धन उ बराबर क्या हो गया, य आदेश यहाँ पर हो गया। मध्वरी शब्द है, मध्वरी में यदि हम संधि करें, हमें यण संधि हमने करी तो मधु धन अरि, मधु का उकार और अरि का अ, यानी उ धन अ बराबर क्या हुआ, वकार हो गया। इसी प्रकार से धात्रंश है, धात्री धन अंश, यानी धात्री का ऋकार और अंश का अकार, यानी क्या बना, र। और ऐसी लाकृति लृ धन आकृति, लृ का लृ धन आ बराबर क्या बना, ल। इसी प्रकार इत्यत्र हम शब्द को देखते हैं, इति धन अत्र, इति का इकार और अत्र का अ, यानी क्या आदेश हुआ, य आदेश। यानी जब जब जो है इक के स्थान पर जो है यण आदेश करने वाला जो सूत्र है इको यणजी, इसी क्रम में हम अयादि संधि को जानते हैं। अयादि संधि क्या है, यानी अयादि संधि क्या है, जिस संधि में अच ए ओ आई औ के बाद जो है क्या होगा, उत्तर पद में आदि के कोई स्वर आता हो तो उसके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, अई अब आय अव हो जाता है। जैसे जो अयादि सूत्र है, यानी अयादि करने वाला जो सूत्र है वह कौन सा है, एचो यवा या वह, यानी एच के स्थान पर अय अव आय और आव आदेश होता है, यानी ए को आई, ओ को अव, आई को आई और अव को आव आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम जानेंगे एक शब्द देखिए, हरये। हरये में आपने देखा जब हमने संधि करी इस हरे की तो हरे धन ए, अब आप देखते क्या है यहाँ पर, जो हरे है हरे का एकार और ए का ए, यानी ए धन क्या बना यहाँ पर, अय आदेश हो गया। हरे में क्या हुआ, अय आदेश, तो हरे ए। इसी प्रकार विष्णवे, विष्णो धन ए, तो क्या बना, अव आदेश हुआ। ऐसी नायक शब्द है, नई धन अकह, अय है तो अय को क्या बना, आय आदेश। ऐसी पावक, पौ धन अकह, पावक, ओ धन आव बराबर क्या बना, पावक शब्द बन गया। ऐसी गायक शब्द है तो गायक में क्या बना, गई धन अकह, यानी गई धन क्या क्या आदेश हुआ यहाँ पर, आय आदेश, तो क्या बन गया, गायक। इस प्रकार से स्वर संधि के जो प्रमुख जो पांच भेद हैं उनको हमने जाना। अब इसके अलावा भी जो है पांचों संधियों का प्रयोग प्रायः हम देखते हैं कि व्याकरण में होता है, अधिक रूप में होता है, और कुछ संधियां जो तीन संधियां हैं जो स्वर संधि के अंतर्गत ही आती हैं वह संधियों का जो प्रयोग है वह हम न्यून रूप में यत्र तत्र हम देखते हैं। जैसे उनमें जो पहली संधि है वह है पूर्व रूप संधि। अब ये पूर्व रूप संधि क्या है, पूर्व रूप संधि को जो प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह है एंगी पर रूपम। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, जो अकारांत उपसर्ग के आगे यदि एंग आदि, यानी एंग आदि क्या है, ए या ओ स्वर से आरंभ होने वाला जो धातु रूप हो तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए या ओ हो जाता है। तो पर रूप का अर्थ क्या है, यानी पर रूप का अर्थ है पर माने आगे वाला वर्ण, रूप रूप के समान आकृति का होना। अर्थात पूर्व पद के अंत वाला वर्ण पर पद के आदि वर्ण के आकार का जहाँ हो जाता है उसे हम पर रूप संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझिए इसे, जैसे प्रेजते, प्रेजते शब्द है तो प्रेजते में आपने देखा कि प्रौधन ए जते, अब प्रेजते प्रौधन ए धन जते, यानी प का ओकार
और ए का एकार। अब ओ के बाद क्या आया, ए, तो क्या आएगा वहां पर, और ए बन जाएगा। इसी प्रकार है उपौषधि, उपधन औषधि। तो यहां पर अकार के बाद ओ आया तो क्या बना, उसे आदेश क्या हुआ, ओ आदेश, यानी पूर्व अ और उत्तर औ, यानी उपस्वर्ग होने के कारण यहां पर क्या हो गया, पर रूप संधि हो गई। इसी प्रकार जो दूसरी संधि हमें देखने को मिलती है वह है पूर्व रूप संधि। यानी पूर्व रूप संधि का जो सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह है एं पदांतदि, एं पदांतदि, अर्थात पूर्व पद के अंत में यदि ए अथवा ओ हो और उत्तर पद के आदि में ह्रस्व हो तो उस अ ए या ओ जो स्वर है उस पूर्व पद के अंत में हो तो उसके रूप को हम धारण कर लेता है, यानी उस रूप को वह धारण कर लेता है। किस रूप को, यानी पूर्व रूप होने पर अ का चिन्ह क्या बन जाता है, खंडाकार जो हो जाता है, इस संधि को हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं हरैव, तो हरे धन अव, हरे धन अव, यहाँ पर ए अ, ए धन अ बराबर क्या हो जाए, ए। तो अब हम जब संधि करके हमने देखा तो हरे धन यानी खंडाकार जो है वह अ यहाँ पर बन गया। इसी प्रकार अंतोपि यानी अंते धन अपि, विष्णु ए यानी विष्णु धन अव, सोयम सोधन असम, इस प्रकार से जो पूर्व रूप संधि यहाँ पर बनती है। इसी क्रम में जो तृतीय संधि है वह है प्रकृति भाव संधि। यानी उस प्रकृति भाव संधि को प्रतिपादित करने वाला जो सूत्र है वह है इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, अर्थात यदि किसी द्विवचातांत शब्द के अंत में दीर्घ ई उ ए हो और उत्तर पद के आदि में कोई भी स्वर हो तो ऐसी स्थिति में कोई संधि नहीं होती है, अर्थात जैसा रूप किया गया था वैसा ही रूप वह रहता है, उसे ही हम प्रकृति प्रकृति भाव संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप जानिए इसे, हरि एतौ यानी हरि धन एतौ, विष्णु इमौ विष्णु धन इमौ, गंगे धन अमु गंगे अमु, यानी इस प्रकार से हम जो स्वर संधि है उस स्वर संधि के जो प्रमुख भेद को हमने आज की इस श्रृंखला में जाना, और इसी श्रृंखला में अगली कड़ी में हम जानेंगे व्यंजन संधि को, यानी स्वर का जो द्वितीय संधियों का जो द्वितीय भाग है उसको हम अगली श्रृंखला में आप लोगों के समक्ष पुनः वार्ता करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।